हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्टोवेक में। देखिए फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने आपको मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान से संबंधित जो सभी विभागों की लगभग 33 योजनाओं से आपको अवगत कराया था, जिसमें हमने सारी डिटेल सारी योजनाओं की देखी थी। फ्रेंड्स, यदि आपको उसी में से किसी योजना में के लिए पात्र हैं तो आप उसका आवेदन भी फ्रेंड्स इस पोर्टल से, आज हम बताने वाले हैं फ्रेंड्स, इस पोर्टल से आप डायरेक्ट आवेदन कर सकते हैं। और जिस दिन आपकी ग्राम पंचायत में कैंप रहेगा, आप संबंधित अधिकारी कर्मचारियों को उस आवेदन की हार्ड कॉपी आप दे सकते हैं, उसके तहत फ्रेंड्स आप उस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको सिंपली इसके लिए आपको फ्रेंड्स, और साथ में आप ये भी देख सकते हैं फ्रेंड्स कि आपकी ग्राम पंचायत में किस तारीख को कैंप लगने वाला है। तो इसके लिए आपको फ्रेंड्स सिंपली अपने गूगल के सर्च बॉक्स में फ्रेंड्स cmhelpline.mp.gov.in टाइप करके सिंपली सर्च कर देना है फ्रेंड्स। तो उसके बाद आपको मध्य प्रदेश सरकार की जो सीएम हेल्पलाइन की जो वेबसाइट है वो आपके सामने ओपन हो किया जाएगी। यदि आप फ्रेंड्स, इस वेबसाइट का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यदि आप इससे सर्च नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्ट उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के माध्यम से, उस लिंक के माध्यम से डायरेक्ट आप इस साइट पर आ सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, cmhelpline.mp.gov.in सर्च करने के बाद, टाइप करने के बाद जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके सामने इस तरह की वेबसाइट ओपन होकर जाएगी। आपको यहां पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये सीएम हेल्पलाइन की जो एमपी के जो सीएम है फ्रेंड्स, उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट के तहत फ्रेंड्स सारी सीएम हेल्पलाइनों का निराकरण किया जाता है और सुझाव और आपत्तियां इस वेबसाइट के माध्यम से दर्ज की जाती है। उसके बाद फ्रेंड्स, आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे फ्रेंड्स इस तरह का एक लोगो और साथ में आपको दिखाई देगा मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान। तो आप यहां से देख सकते हैं, तो आपको सिंपली इस मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जब आप मुख्यमंत्री जनसेवा वाले अभियान वाले ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह की पूरी डिटेल, आप पूरा इंटरफेस देख सकते हैं फ्रेंड्स। आपके सामने इस तरह का पूरा इंटरफेस ओपन हो गया जाएगा। आप यहां देख सकते हैं फ्रेंड्स, पहले नंबर वाले ऑप्शन पर आपको दिख रहा है शिविर की जानकारी। इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप शिविर की जानकारी ले सकते हैं कि आपकी ग्राम पंचायत में किस तारीख को शिविर लगना है। उसके बाद फ्रेंड्स, इस सेकंड नंबर वाले ऑप्शन के तहत आप शिविर में अपना पंजीयन कर सकते हैं कि आप जो शिविर में आप जिस भी योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की योजना हो। और कितने प्रकार की योजना है फ्रेंड्स, उसका वीडियो भी मैंने आपको पहले से ही उपलब्ध करा दिया है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो इस आइकन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को पहले देख लीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, शिविर में अपना डायरेक्ट आप ऑनलाइन पंजीयन कर सकते हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के अंतर्गत जो योजनाएं हैं वे सारी योजनाएं की लिस्ट आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और आवेदन आपने जो किया है उसकी स्थिति आप यहां पर से देख सकते हैं कि जो आपने आवेदन किया है वो आवेदन कहाँ पर पहुँचा। तो फिलहाल सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स कि आप ये कैसे देखेंगे कि आपकी ग्राम पंचायत में किस तारीख को शिविर है। उसके लिए फ्रेंड्स, आप सिंपली यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट लगता है फ्रेंड्स। आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा फ्रेंड्स। मैं उदाहरण के लिए आपको एक डिस्ट्रिक्ट है सिवनी डिस्ट्रिक्ट में, उसका आपको दिखा देता हूं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स, चाहे आप गांव में रहते हो या शहर में रहते हो, आप दोनों ही प्रकार से अपना आवेदन दर्ज कर सकते हैं फ्रेंड्स। योजना शहरी और ग्रामीण दोनों ही लोगों के लिए है, यानी कि रूरल एंड अर्बन दोनों ही व्यक्ति इस योजना का लाभ ले सकते हैं। उसके बाद फिलहाल हम यहां पर ग्रामीण सेलेक्ट कर लेते हैं फ्रेंड्स। और उसके बाद आप देखेंगे यहां पर आप विधानसभा चुन लेना है, आपकी जो भी विधानसभा लगती है फ्रेंड्स, जो भी आपकी विधानसभा है वो यहां से आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप यहां देखेंगे तहसील या ब्लॉक आपका जो भी है, जो भी आपकी तहसील है या जो भी आपका ब्लॉक है, आप यहां पर से अपनी तहसील या ब्लॉक सेलेक्ट कर लेंगे। सारी तहसील और ब्लॉक आपके सामने ओपन होकर जाएंगे। उसके बाद यहां पर देखेंगे फ्रेंड्स, डाटा नहीं पाया गया वाला ऑप्शन है, तो आप यहां से इसे रहने देंगे फ्रेंड्स। इसके लिए आपको सिंपली यहां पर आप देखेंगे, सबसे पहले आपको इस शिविर में अपना पंजीयन करना है फ्रेंड्स। आपको डायरेक्ट शिविर में अपना पंजीयन करें वाले ऑप्शन पर कर लेना है क्लिक। तो चलिए, हमने शिविर में अपना पंजीयन करें वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लिया। उसके बाद आप यहां पर अपनी समग्र आईडी यहां पर आप जो 9 अंकों की 8 अंकों की फ्रेंड्स वो आप यहां पर टाइप कर देंगे अपनी। उसके बाद अपना यहां से डिस्ट्रिक्ट जो भी लगता है फ्रेंड्स आपका, डायरेक्ट हम शिविर में फ्रेंड पंजीयन कर रहे हैं। आप जिस भी योजना का लाभ लेना चाहते हैं आप डायरेक्ट इस पोर्टल से अपना पंजीयन कर सकते हैं। चलिए, हमने डिस्ट्रिक्ट यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप यहाँ पर ग्रामीण और शहरी सेलेक्ट कर लेंगे, तो हमने यहाँ पर से ग्रामीण सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आप ब्लॉक या तहसील अपनी सेलेक्ट करेंगे, तो चलिए हम तहसील या ब्लॉक सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हमने तहसील या ब्लॉक यहाँ से सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आप देखेंगे शिविर चुने, तो जैसे ही आप फ्रेंड्स यहाँ पर से आप तहसील या ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे और शिविर चुने वाले ऑप्शन पे आएंगे, तो आपके ब्लॉक में फ्रेंड्स, आपके विकास खंड में जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं फ्रेंड्स, सारी ग्राम पंचायतों के नाम आपको यहां पर दिखेंगे और उन ग्राम पंचायत में किस तारीख को शिविर लगना है ये डेट आपको यहां पर दिख जाएगी फ्रेंड्स। यहां पर आप देख सकते हैं ये डेट है, ये मंथ है और ये ईयर है फ्रेंड्स। ये इधर राइट हैंड साइड से ये डेट का सर्कल चालू हो रहा है, यहां पर ये डेट है, ये मंथ है और ये ईयर आपको दिखाई दे जाएगा फ्रेंड्स। तो यहां पर आप यहां से देख सकते हैं कि आपकी ग्राम पंचायत में किस तारीख को शिविर लगना है। तो जो भी आपकी ग्राम
ग्राम पंचायत है फ्रेंड्स, संबंधित ग्राम पंचायत को आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स ये शिविर देखने के लिए हम फ्रेंड्स शिविर में अपना पंजीयन करने वाले ऑप्शन पे आए थे। उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया था और अपना जो है वो ग्रामीण सेलेक्ट किया था, लोकेलिटी सेलेक्ट किया, उसके बाद हमने अपना ब्लॉक सेलेक्ट किया। उसके बाद शिविर जो आपके ब्लॉक में जितने भी ग्राम पंचायत हैं सारी ग्राम पंचायतों के नाम और उस ग्राम पंचायत में किस तारीख को शिविर होना है वो आपके सामने यहाँ पर ओपन होकर जाएगा। फिर उसके बाद अपना वार्ड और ग्राम आप यहाँ पर से अपनी ग्राम पंचायत सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद वार्ड और ग्राम और विभाग और उससे संबंधित योजना, यानी कि आप जिस भी विभाग में, जैसे आप मान लीजिए जैसे आप गैस का लाभ लेना चाहते हैं तो खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग में। फ्रेंड्स ये मैंने यहाँ पर जो वीडियो बनाया था आपको उस वीडियो में देख सकते हैं कि आप कौन सी योजना किस विभाग के अंतर्गत आती है, उसके तहत आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जैसे मैंने खाद्य नागरिक और आपूर्ति विभाग सेलेक्ट किया तो इसमें जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ये दिखाई दे रही, तो मान लीजिए हमें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ लेना है तो हमने योजना यहाँ से सेलेक्ट किया। इसी प्रकार से आप यहाँ पर से इस विभाग वाले ऑप्शन से सभी विभाग से संबंधित आप किसी भी योजना का लाभ लेना चाहते हैं यहाँ विभाग सेलेक्ट करेंगे, यहाँ योजना सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर उस योजना से संबंधित विवरण सेलेक्ट करेंगे कि मान लीजिए आप अपना विवरण दे सकते हैं, आधार नंबर वगैरह आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं कि जैसे मेरा नाम ये है और मैं इस ग्राम पंचायत का निवासी हूँ, मुझे अब तक प्रधानमंत्री योजना उज्ज्वला योजना का लाभ नहीं मिला है, कृपया मुझे लाभ देने की कृपा करें। तो फ्रेंड्स ये आप जो भी डिटेल टाइप करेंगे आप यहाँ पर 20 वर्ड से कम की आप यहाँ पर टाइप करेंगे, 20 वर्ड से ज़्यादा की करेंगे तो फ्रेंड्स ये पोर्टल नहीं लेगा। उसके बाद फाइनली आप यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी जो आवेदन है उसको सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद जिस भी डेट में आपकी ग्राम पंचायत में शिविर होगा फ्रेंड्स, उस डेट में आप अपनी जो भी संबंधित हार्ड कॉपी है, डॉक्यूमेंट है, आप संबंधित विभाग के कर्मचारियों अधिकारियों को उपलब्ध करा सकते हैं और उस योजना का लाभ बड़ी आसानी से ले सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर से अपनी आवेदन की स्थिति, तो आपको सिंपली इस आवेदन की स्थिति वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जो आवेदन फ्रेंड्स अभी आपने दर्ज किया है इस वाले ऑप्शन से किसी भी योजना के लाभ के लिए, तो आपको वो आवेदन आपको यहाँ पर देना है। तो आपको फ्रेंड्स मोबाइल नंबर जरूर टाइप कर देना है और उसके बाद फ्रेंड्स मोबाइल नंबर के आधार पर भी आप अपना आवेदन की स्थिति आप यहाँ से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी सारी डिटेल, आप यहाँ से पहले आवेदन अपना कर सकते हैं किसी भी योजना का लाभ लेने के लिए और उसके बाद आपने यहाँ पर अपना आवेदन यहाँ पर योजना के लाभ के लिए कर दिया और जिस भी दिन आपकी ग्राम पंचायत में फ्रेंड्स कैंप लगेगा आप हार्ड कॉपी उनको उपलब्ध करा देंगे तो आपको संबंधित योजना का लाभ मिल जाएगा। फ्रेंड्स आपके लिए इसके लिए आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसके लिए फ्रेंड्स आपके पास डॉक्यूमेंट वगैरह प्रॉपर होना चाहिए। मान लीजिए आप जिस भी योजना का लाभ लेना चाहते हैं उस योजना से संबंधित जो डॉक्यूमेंट बताए गए हैं, जो मैंने पिछले वीडियो में सारा विस्तार से बताया फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, तो उससे संबंधित सारे डॉक्यूमेंट फ्रेंड्स आपके पास होनी चाहिए। तो इस तरह से आप बड़ी ही आसानी से फ्रेंड्स ये बहुत अच्छी योजना है। फ्रेंड्स कई बार ऐसा होता है ग्रामीण क्षेत्रों में कि अधिकारी कर्मचारी आपकी नहीं सुनते हैं या फिर पैसे मांगते हैं, तो इस तरह की समस्याओं से आप बच सकते हैं और सारी योजनाओं का लाभ इस अभियान के तहत ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स वीडियो आपको पसंद आया हो।